नर्मदे हर मित्रों, मैं कपिल श्रीमाली रेवानंदा योग एवं वेलफेयर सोसाइटी आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो मैं आप सभी के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और जरूरत है हम सभी को पुनः जागृत होने की, क्योंकि ये समय है वृक्ष लगाने का। कायो नमस्ते नमस्ते। मैंने अपने जीवन काल में 7 वर्ष की आयु से वृक्षारोपण करना शुरू किया, जो आज लगभग 4000 वृक्ष हो चुके हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो समस्या है ये विकराल रूप ले चुकी है और अब ज़रूरत है कि हम सभी उठें, जागें और जागृत होकर के वृक्षारोपण की मुहिम को आगे बढ़ाएं। एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, तो इस बात को आगे लेते हुए हमें इसको और ज़्यादा वृहद रूप देते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। जैसा कि हमने देखा, इस महामारी में सारा मशीनरी सिस्टम फेल हो गया, सारा पावर, सारा मनी पावर, सब कुछ फेल हो गया। अगर हमारे काम कुछ आया तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, और ये इम्यूनिटी सिस्टम जब अच्छे से काम करता है जब हम एक अच्छे वातावरण में रहते हैं। तो अच्छे वातावरण के लिए प्रकृति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी वृक्षारोपण की ओर अपने ध्यान को एकाग्र करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले हमारे आसपास जंगल हुआ करते थे, जंगलों को काट के हमने खेतों का निर्माण कर दिया और अब खेतों को काट के हम कॉलोनी का निर्माण करते जा रहे हैं और उसके लिए हम रेत का खनन करते जा रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से हम विकास करते गए तो एक समय आएगा हम पूरी पृथ्वी को कंक्रीट से ढक देंगे और जब वर्षा काल में बारिश होगी, पानी आएगा, वो पानी सारा नदी नालों के माध्यम से समुद्र में पहुँच जाएगा और हमारी धरती माता सूखी रह जाएगी। तो आज हमें ज़रूरत है जागृत होने की, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की, क्योंकि वृक्ष की जड़ों के माध्यम से जो जल है वो धरती के ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखता है। आज ज़रूरत है हर इंसान को इस चीज़ की, इस वृक्षारोपण की जिम्मेदारी को उठाना होगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा काम है जो आप देश के लिए सुलभ रूप से कर सकते हैं। आज इस धरती माता को आपकी ज़रूरत है, तो आओ आज सभी मिलकर के मातृभूमि की कुछ ऐसी पूजा करें, एक वृक्ष लगाएं जो इस जीवन को सार्थक बनाए। अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद फल फूल वृक्ष छाया शुद्ध हवा शुद्ध जल धरती को सदैव मिलते रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफल हो सके। नर्मदे हर।